इस काल ने एक नहीं कई शिकंजे कस रखे हैं, कई फांस बांध रखी है प्राणी के। अब इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो सत परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, सत पुरुष है, सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है, फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जन साधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भाई सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने नर बहुत उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में, और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से, तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी कि अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया, बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये घनी बुद्धिमान घना जो चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है। तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया, उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान हैं और गुरुजी इस दास के बारे में सोचा, ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत ही यथार्थ ज्ञान मिलेगा। तो उसने इस दास को इस अपनी जो उसने धारणा बना रखी थी परिचित नहीं होने दिया और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवें, बांधोगढ़ का वो स्थान देखें जहाँ धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देख आते हैं, संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे सन 1998, फिर 99 की बात है, सन 2000 में फिर हम कहाँ गए, कबीर बट है एक, कबीर बट ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है, भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है, मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था और उसमें जीवादत्ता नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने ज्ञान सुना कि भी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भी हम जिस भी संत के ज्ञान विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है, अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है। तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं गमला बनाकर, यानी नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के और इस टहनी में डालेंगे
और यदि ये हरि होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहाँ भी जिस संत का नाम सुना वहीं पहुँच गए और उनसे प्रार्थना की, दासों को चरणामृत दीजिए। अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि ले बेटा ले लो, उनके चरण धोएं और डाल के पात्र में घर ले आवें, आते उसमें डालते हैं। दो दिन बाट देखें, दो तीन दिन कुछ नहीं होता, हफ्ते दस दिन, फिर दूसरे के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, सब जगह जा लिए जिनका बोलबाला था। अब ये उनको ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान मिले नहीं तो व्यर्थ है, और पूरे गुरु बिना भगवान नहीं मिले। सब संत कहते हैं, ऋषि और मंडलेश्वर कहते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन कर लिया कि हे परमात्मा, इस समय तो पृथ्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है, हम दोनों भाइयों की मृत्यु कर दो और किसी समय इस पृथ्वी पर संत आया हो पूर्ण, उस समय हमारी शेष आयु मनुष्य की दे देना दाता। कति फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के और ये अर्ज की, और दोनों भाई मायूस रहने लग गए कि क्या बने इस जीवन का, है तो पूंजी नष्ट हो रही है। अब कहते हैं परमात्मा, दाहरी मेरे संत की मुझसे मिटैनी अंस। उसी समय हफ्ते दस दिन के बाद परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में, जिसमें 30-40 घर थे ज़्यादा से ज़्यादा, पहले ऐसे छोटे छोटे गांव होते थे सभी, तो वहाँ गली में घूम रहे हैं और जीवा और दत्ता, जिसको तत्वा भी कहते हैं, उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे। तो दत्ता बाहर आया, उस दत्ता ने देखा कि एक महात्मा जा रहा है। उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा कि जीवा, एक महात्मा जा रहा है, तेरी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। अब जीवा कहने लगा, भाई रहने दे, क्यों जख्म को हरा कर रहा है, क्या करेगा बुला करके, ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को देख लिया, उनके पास कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने फिर कहा, भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाऊं। जीवा ने कहा, भी देख ले फिर, मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं, बुला ले। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर खोज रहे हो। और दत्ता पुण्यात्मा थी, चरणों में मत्था टेका, हे महाराज आपके दास की झोपड़ी है, चरण रखना, आ जाओ यहाँ दर्शन देना, कुछ समय विश्राम करो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई चलो। जाके जैसा भी कोई स्थान था बैठने के लिए दे दिया, कोई पीढ़ा मुढ़ा, परमात्मा बैठ गए। और जीवा कहता है, दत्ता कहाँ जी, वो लाना साधु के चरण धोवाएंगे, अपनी लाए कोई परात थाली और उसमें पानी डाल कर चरण धोए। अब जीवा कहता कि दत्ता ले जा इस जल को, चरणामृत को, और संतों के चरणामृत को गली में नहीं डाला करते, इसको अंदर डाल देना पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता गया आंगन में और जो ही वो लगा डालने जल, डालते डालते ही वो सूखी टहनी जो गलने लगी थी नीचे थे, वह एकदम हरी भरी होगी। बोलो सतगुरुदेव।
अब दत्ता ने कहा जीवा आइए एक बार दौड़ के, आइए एक बार जल्दी आना। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे, ये तो मालिक आगे, भगवान आगे, देखी एक से एकदम हरी भरी होगी टहनी, वट वर्क्स यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ दिया, दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ दिया, अरनू देखे मुंह की तरफ और रोए और कहने लगे भगवान हम तो कति थक चुके थे और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज नहीं, ये भगवान आप पहले क्यों ना आए दाता, हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे बेटा मैं आते जाता पहले भी, तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से, यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी भी हो जाती होनी थी या तो कोई दुख दिखता कोई ना, जो तुम वैसे ये संत की पहचान नहीं होती, फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके यह लीला करनी पड़ी बेटा, यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती तुम उपदेश ले लेते, ठीक है, फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोलबाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो, तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते, और उस समय जब गुरु बना लिया उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता है। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करें, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करें, और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता है।